दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा समेत कई जेल कर्मियों को आरोपी बनाया है। इसी बीच एक कैदी अरुण नागर ने दावा किया है कि उसके सामने ही जेल अधिकारियों ने अंकित की हत्या की थी। अरुण तिहाड़ में अंकित के साथ ही जेल नंबर 3 में बंद था। अरुण ने तिहाड़ के अंदर से ही मोबाइल से अपना बयान रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं अरुण नागर हूँ, तिहाड़ जेल नंबर 3 से बोल रहा हूँ। मेरे भाई अंकित गुर्जर को तिहाड़ जेल कर्मियों ने मारपीट कर मार दिया है। मैं उस मर्डर का आई विटनेस हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अंकित तिहाड़ जेल नंबर 3 की 16 नंबर चक्की में था, मैं 17 नंबर में था। हमारे सामने डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा, राम अवतार मीणा, दिनेश शिकारा, विनोद मीणा, हरकुल मीणा और दीपक डबास, इन जेल कर्मियों ने मेरे भाई को मार दिया। इस घटना का गवाह हूँ, इसलिए ही ये अधिकारी मुझे जेल नंबर 3 में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अंकित का मर्डर कर दिया, तेरा भी कर देंगे। 30 लोग थे जिन्होंने अंकित को मार दिया मेरी आंखों के सामने। जेल सुपरिटेंडेंट विनीत कुमार झा ने मुझसे 1.5 लाख रुपए लिए थे, तब डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा ने मेरा चालान रोका था। अब ये लोग मुझसे फिर से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जेल में मोबाइल पर पाबंदी है, इसके बावजूद कैदी के पास मोबाइल कहाँ से आया और वो जेल के अंदर से अपना बयान रिकॉर्ड करके कैसे भेज रहा है। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मां की शिकायत और अदालत के आदेश पर पुलिस ने तिहाड़ की जेल नंबर 3 के डिप्टी जेलर नरेंद्र कुमार मीणा और अन्य स्टाफ के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। 3 अगस्त को तिहाड़ में गैंगस्टर अंकित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अंकित के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली है उससे मल्टीपल इंजरी की वजह से मौत का जिक्र किया गया है। इस मामले में तिहाड़ जेल के डीजी ने जेल के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अंकित के घर वालों ने डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा पर अंकित से 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इसमें 50,000 रुपये उसे दे दिए गए थे, बकाया रकम नहीं देने पर हत्या कर दी गई। वहीं जेल स्टाफ का कहना है कि अंकित के पास मोबाइल फ़ोन मिला था, उसके बाद विवाद हुआ और अंकित ने डिप्टी जेलर पर हमला कर दिया था। स्टाफ ने किसी तरह अंकित को काबू किया, इस दौरान अंकित को चोट लग गई और बाद में उसकी मौत हो गई। हालांकि अब इस मामले की नए सिरे से जांच हो रही है।